फिर बीफ स्टू के लिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दम लेते हैं पैन। सबसे पहले एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, ये आ गया ऑयल एक कप, और इसको हम करेंगे फ्राई अनटिल ये ब्राउन हो। तो सबसे पहला काम, तो बीफ स्टू के लिए मैंने यहाँ पे गोश्त ले लिया है 1 किलो, और बीफ को हमने पका लिया है। ये इतना पका हुआ है तकरीबन कि इसको 20 मिनट और लगेंगे पकने में, यानी मज़ीद तो रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। घर में भी अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो इसका बेस्ट तरीका इन रेसिपीज़ को क्विक बनाने का ये है कि आप सिंपली जो भी गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको कुकिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है या मटन बीफ, तो फिर आप उसको पहले से बॉयल कर लें, 20-25 मिनट की कसर उसमें रहने दें और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। सबसे पहला काम जो आप देखते हैं, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, ये सबसे बेहतरीन काम है किचन में टाइम को सेव करने का। क्योंकि होता क्या है, आपने काम स्टार्ट किया, अभी अदरक प्याज पिसा होता, अदरक लहसुन पिसा, बाकी चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं और उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ हो जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहली चीज़ें आप काट के रख लें ताकि आपका कम से कम टाइम किचन में लगे। प्याज फ्राई कर लिया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन, एंड दैट्स इट। गरम मसाला साबुत जब भी इस्तेमाल करेंगे, मेक श्योर कि इस स्टेज पे इसको आप शामिल कर दें, इसका खुशबू जायका बहुत बढ़ जाएगा। सो इसमें 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 5-6 अदद इसमें लौंग, और ये इसमें आ गया बड़ी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची का दाना सिर्फ, ठीक है। सो सिर्फ दाना इस्तेमाल करना है, छिलका इसमें से फेंक दें, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में हमने इसमें 3 तेज़पात शामिल कर दिए, साथ में गोल लाल मिर्च ये अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15, और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये बीफ जो हमने पका लिया है। ऑलमोस्ट इसमें 20% अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन गुंजाइश है इसको गलने की, और बेस्ट तरीका भी यही है। इसमें हम शामिल करेंगे अब दही, जिसकी मकदार 1 पाव, ये भी इसमें शामिल कर दिया, और इसको अब हम थोड़ा सा करेंगे तेज़ आँच पर फ्राई। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये दही इसमें बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें बिल्कुल इसकी तरी ऊपर आ गई है। अब इसमें हम 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे। पानी की जगह जिस बीफ में मैंने इसको पानी में पकाया था, यखनी, ये वही यखनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसी में पकेगा। तो इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, अब फिर इसको हम धीमी आँच पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे। ये तकरीबन धनिया इसमें 2 खाने के चम्मच ये आ गया, और इसको भी शामिल कर देंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर शामिल कर रहे हैं जावित्री। जावित्री क्या करती है, बहुत ही अच्छा जायका देती है अमूमन, तो इसमें हम चुटकी भर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ज़्यादा डालेंगे तो उसका जायका ख़राब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ी सी चुटकी भर ये डाला, साथ में 1 चाय का चम्मच हमने शामिल कर दिया नमक, और बस इसके बाद इसको मिक्स किया, धीमी आँच में पकने छोड़ देंगे। आँच इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको कर देते हैं कवर, ये थोड़ी देर के लिए जब तक ये पकेगा। इन द मीन टाइम इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, जिसमें कुटी हुई काली मिर्च, ये अदरक बारीक कटा हुआ, ये धनिया चॉप किया हुआ, ये 3 इंग्रेडिएंट्स के बाकी रह गए जो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे जब ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी हम छोड़ लेंगे गार्निश के लिए, और कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा ये शामिल कर दी, साथ में हमने थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया, और इसके बाद अब इसको हमने तेज़ आँच पर फ्राई करना है। दैट्स इट, ये देखिए नमक भी थोड़ा सा शामिल कर लेंगे, और इसके बाद तेज़ आंच पे इसको मिक्स करना है और उतार लेना है। ध्यान में रखिएगा इसको बहुत पकाना नहीं है। बीफ स्टू, अज्जा, बीफ बूटी 1 किलो, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 15 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम, तेज पत्ते 4 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमच, जावित्री 1/2 चाय का चमच, लौंग 6 से 8 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, दालचीनी 4 डंडियां, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमच, दही 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 5 खाने के चमचे, कटा धनिया 1/2 कप। तरकीब, पैन में तेल गरम करके प्याज को चंद मिनट लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अब अदरक लहसुन शामिल करके मजीद फ्राई करें। फिर तमाम साबित मसाले, उबला बीफ और दही डालकर पानी खुश्क होने तक फ्राई करें। अब लाल मिर्च, नमक और 2 कप पानी मिला के 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और ढककर खुश्क होने दें। फिर अदरक और धनिया डाल के सर्व कर दें।